तो बच्चों कल है आपका मैथ्स का एग्ज़ाम, और वो भी मैथ्स प्लस बोर्ड का एग्ज़ाम। तो भाई दोनों ही चीज़ें ऐसी हैं ना जो बच्चों में एकदम से डर पैदा कर देती हैं और एक हवा बना देती है। तो बच्चों ये एनजाइटी सिर्फ आपको नहीं हो रही है, जो भी मैथ्स बोर्ड का एग्ज़ाम देने जाता है ना वो हो ही जाती है। तो बच्चों इस एनजाइटी से, इस डर से कैसे दूर रहना है वो मैं आपको समझाऊंगा, बट उससे पहले एक चीज़ और सुनो और समझो कि जो एग्ज़ाम आप दोगे ना उससे पहले के जो 10-12 घंटे हैं वो इस सारी सिचुएशन को संभालने और बिगाड़ने का काम करते हैं। अगर इस 10-12 घंटे में आप अगर पैनिक हो गए ना, प्रॉपर अगर आप पैनिक हो गए ना, तो आपका भगवान या अल्लाह आपको आके बचा भी नहीं सकता। ये आपके ही हाथ में, आपको कैसे बचना है और कैसे एक चीज़ों को हैंडल करना है। तो इस 10-12 घंटे को कैसे संवार सकते हैं ये मैं आपको समझाने वाला हूँ। प्रॉपर तरीके से वीडियो को सुनना, हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से बात करूँगा, कोई भी एक मिनट में आपका वेस्ट नहीं करने वाला, क्योंकि आपका एक एक मिनट कीमती है ये मैं जानता हूँ। और मेरे को पता है, मैं 7 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ कि बच्चा कैसे इन सिचुएशंस में पैनिक हो जाता है, डर जाता है, कैसे मेरे से आके जब बातें करता है सर मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरे को रातों में कॉल आ जाती है बच्चों की, सर मैं डर रहा हूँ, तो उसको मुझे क्या समझाना पड़ता है। मैं आज आपसे यही बातें करने वाला हूँ। तो बच्चों देखो, सबसे पहली चीज़ हमें ना अपने ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि मैंने जो पढ़ा है वो ठीक है क्या, क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं करोगे तो चीज़ें नहीं बनेंगी। तो सर इसकी शुरुआत कैसे करें? भाई सबसे पहले ना मेरी जो आपकी वीडियोस, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है, नहीं भी देखी है, तो डिस्क्रिप्शन में एक चीट शीट का लिंक डलवा रहा हूँ। अगर आप उस चीट शीट को देखोगे ना, तो चीट शीट है क्या पहले तो मैं आपको ये बता दूँ। भाई एक जगह ना सारे फॉर्मूले मैंने रख दिए हैं, जो मैथ्स बोर्ड 2023 के एग्जाम में दुनिया दराज के जितने फॉर्मूले आने वाले ना सारे मैंने वहाँ पर रख दिए हैं। उसको आप उठाओ, एक एग्जाम्पल के लिए समझो, मान लो आपने चैप्टर 4 का फॉर्मूला उठाया, तो फॉर्मूला उठाते ना आपका दिमाग, अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई करी है ना ईमानदारी से, तो आपका दिमाग उस क्वेश्चंस को, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपके सराउंडिंग में घुमाने लगेगा। और आप एनसीईआरटी बगल में खोल के अगर बैठे हो तो भाई उस क्वेश्चन को देख लो। अब आप बोलोगे सर करने का समय नहीं है, अगर आपने पहले प्रैक्टिस करी है तो उन क्वेश्चंस को एक बार देखोगे ना, देखते याद आ जाएगा यार इसमें ये स्टेप है, इसमें ये स्टेप है, तो वहां से कॉन्फिडेंस आने लगेगा। और जो पैनिक की सिचुएशन को दूर करने की बात कर रहा हूँ ना, वो अपने आप हो जाएगी, इवन वो आएगी नहीं आपके पास। ठीक है भाई, इतना करने के बाद सर चीट शीट तो हो जाएगी हमसे। फिर अगर आपको क्वेश्चंस का मन कर जाए, तो फिर से एक चीज़ कि 75 क्वेश्चंस मैंने चैनल पे डाल रखे हैं जिन्हें आप उठा के कर सकते हो, जिसमें एक दो नहीं 13 के 13 चैप्टर कंसेप्ट वाइज कवर अप हो रहे हैं, और वो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे ही करेंगे यार। अगर आपको लगता है सर कैसे करें, तो भाई देखो बुक तो उठा के रखो, बुक उठाने के साथ ही आपका काम होगा और कॉन्फिडेंस आपका वहीं से आएगा। मेरे बच्चे बहुत प्यार से सुनो, अब भाई पेपर में कुछ होते हैं 12-13 नंबर फिक्स, जैसे केस स्टडी, तो उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है। ये नहीं कि आपको 10 घंटे बैठ के देखना है, 20-22 मिनट आराम से उसको देख लेना और केस स्टडी के क्वेश्चन कैसे करते हैं आपको आइडिया मिल जाएगा, और आराम से फिर आपको एक नींद अच्छी आएगी, हाँ मैंने बहुत कुछ कर लिया है अब मैं आराम से सोऊंगा। फिर आप आराम से जाके बिस्तर लगाइए, नींद लीजिए, प्रॉपर नींद लेनी ज़रूरी है, क्योंकि आप देने जा रहे हो गणित का एग्ज़ाम, वो भी बोर्ड का, तो नींद लेना तो बिल्कुल नेसेसरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। चलो भाई सो भी गए, अब सुबह उठ भी गए, अब सुबह उठने के बाद क्या करना है, सुबह उठने के बाद एक बार चीट शीट को फिर से देख लेना, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से देख लेना। फिर अपने एग्ज़ाम की जितनी भी चीज़ें ले जानी है जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी, टाइम से उठना है, टाइम से घर से निकलना है, और एग्ज़ाम हॉल के लिए टाइम से पहुंचना है। और उसके बीच में क्या करना है, कैसे समय व्यतीत करना है, उसकी भी बात करूंगा, ध्यान से सुन लेना। अभी भाई आप सुबह उठे, तैयार वैयार हुए, प्रॉपर सारी तरी चीज़ें लेकर टाइम से घर पे से निकल गए। अब जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल के लिए निकलोगे ना, तो आपके दोस्त मिलेंगे आपको, और कुछ दोस्त तो देखो बहुत अच्छे होंगे और कुछ दोस्त ख़राब भी होते हैं। देखो मैं आपकी एज में था और मैं लोगों को जानता भी हूँ, और इस चीज़ों से अभी आप बिल्कुल दूर हो कि आपको लगता है सब सही है, सब ऐसे हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग होते हैं करते कुछ है बताते कुछ हैं, तो ऐसे लोगों से तो दूर रहो भाई। आपको उस बच्चे ने अगर कोई बोल रहा है ना मैंने 10 सैंपल पेपर कर लिए, 20 सैंपल पेपर कर लिया, यार उसने 1,00,000 सैंपल पेपर कर लिया यार, हमें भुइया भर फर्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क पड़ता है मैंने क्या करा है। देखो पेपर तो जो CBSE बनाने वाला है वो अपने NCERT और कुछ थोड़े बहुत एक्स्ट्रा से ही बनाने वाला है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। और यार NCERT ना इतनी हो चुकी है कि टीचर की भी लिमिट है कि क्वेश्चन मैं कहाँ से दूँ, तो उसको भी सबको पता है कि कुछ क्वेश्चन फिक्स आने वाले हैं। मैंने एक वीडियो और डाली थी 6 गारंटीड टॉपिक्स की, तो अगर आपने वो भी देखनी है तो वो भी देख सकते हो, आपको आइडिया हो जाएगा ये क्वेश्चन तो फिक्स है, 25-30 नंबर तो यहीं से बन रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करोगे तो पैनिक सिचुएशन आएगी नहीं, कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। और उन दोस्तों से बातें नहीं करनी जो आपको ऐसी सजेशन दे रहे हैं, भाई मैंने इतना कर लिया उतना कर लिया, ये आपको पैनिक ही देंगे खामा खा का। तो दूर रहो, चिल रहो, इन्जॉय करो, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई पढ़ाई की बात नहीं। घर से बाहर अगर अपना कदम रख लिया है ना, तो कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ चिल रहना है,
बिल्कुल इन्जॉय करना है कि अभी अच्छा एग्ज़ाम है क्या, हो जाएगा, यूनिट टेस्ट की तरह समझो यार इस एग्ज़ाम को, तभी तो चीज़ें अच्छी होंगी। ऑलरेडी अगर आप उसको पैनिक क्रिएट करोगे तो प्रॉब्लम होती है, नहीं वरना सारी चीज़ें अच्छे से होती हैं। अच्छा मैं टाइम पे जाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, वैसे तो देखो जाना ही चाहिए, अगर आप लेट हो गए तो आपकी थोड़ी बहुत चेकिंग भी होती होगी सेंटर पे, तो भाई अगर उस चेकिंग के दौरान ध्यान से सुनना, उस आप लेट पहुँचे और आपकी चेकिंग हो रही है तो ना हबड़ दबड़ ऑटोमेटिकली मच जाएगी, तो वहाँ पर भी पैनिक हो जाएगा, तो उस पैनिकों से बचना है भाई, ये सब चीज़ों से दूर रहना है। तो एग्ज़ाम हॉल पर समय पर पहुँचो, चीज़ों को अच्छे से लेके जाओ, और पेपर जब आपके हाथ में आ जाए तो आपको बढ़िया से पेपर करना है। और कई बच्चों के साथ ऐसा भी होगा ना भाई कि रात में नींद ही ना आई हो, होता है यार ऐसा, मैथ्स का एग्ज़ाम है यार, आपके लाइफ का एक इवेंट है एक प्रकार का ये, तो होता है कि भाई नींद ही नहीं आई हल्की फुल्की। तो इन चीज़ों से दूर रखने के लिए ना अपने आप को एक छोटी सी चॉकलेट ले जाना, यानी कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर ही ले जाओ, थोड़ा सा बाइट ले लेना उसकी, ताकि नींद वगैरह जैसी चीज़ों से दूर रहो, 3 घंटे आप एक्टिव रहो एग्ज़ाम के अंदर, एनर्जी जितनी ज़्यादा रहेगी क्वेश्चन करने का उतना ही अच्छे से मन करेगा। वॉशरूम हो गया, पानी वगैरह पीना हो गया, ये सब चीज़ें पहले ही कर लेना, बीच में एग्जाम में ऐसी चीज़ें मत करना, क्योंकि ना वो सब सही नहीं रहता, आपको ही वो डिस्टर्ब करती है चीज़ें, क्योंकि क्वेश्चन बन रहा है एकदम से आपको ये चीज़ों की नींद नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से चीज़ों को मैनेज करो, आई होप आपको बातें समझ में आई होगी, लोगों से कैसे दूर रहना है, जो अच्छे हैं उनसे बात करनी है, पर पढ़ाई की बात नहीं करनी, ठीक है भाई। ये चीज़ें अगर आप अच्छे से करोगे तो आपका एग्ज़ाम बढ़िया जाएगा और प्रॉपर तरीके से सजेगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। आपके दिमाग को जितना आप चिल रखोगे ना, ये दिमाग है ना, यही आपको पागल बना देता है, पर आपको इसे पागल बनाना है, अरे मैं चिल हूँ यार, क्योंकि एग्ज़ाम जितना मैंने पढ़ा उसमें से आएगा, बात ही ख़त्म है ना, और जितना आएगा वो मैं करके दिखाऊंगा, दैट्स ऑल। ठीक है भाई, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, बाय बाय बच्चों।